सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज़ राज फ्रॉम मोटोकिट 46। तो गाइज आज हमारे पास है MT-15 BS6 और हॉर्नेट 2.0 BS6। तो गाइज आज हम इन दोनों बाइक में वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा स्मूथ है या फिर कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। सो गाइज चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं एमटी से। तो यहाँ मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया है और अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लास को यहाँ रखते हैं और चलिए एमटी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो गाइस बिना एक्सेलेरेटर के तो हल्की सी भी वाइब्रेशन नहीं मुझे नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी एक्सेलेरेटर लेते हैं। गाइस आप देख रहे हैं 10,000 RPM के बाद जाने के बाद भी ये गाड़ी थोड़ी सी भी वाइब्रेशन नहीं कर रही है। सो गाइस आपने देखा है MT थोड़ी सी भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम होंडा हॉर्नेट 2.0 में करते हैं। सो गाइज अभी ये ग्लास मैंने हॉर्नेट के ऊपर रख दिया है और अब चलिए हॉर्नेट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपने देखा कि 11,000 RPM तक जाने के बाद भी ये गाड़ी वाइब्रेट नहीं कर रही है। तो होंडा ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है इसमें, इन दोनों बाइक्स में। यामा ने भी बहुत अच्छा वर्क किया है। सो गाइज आपने देखा कि इन दोनों बाइक्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, दोनों ही गाड़ी में थोड़ी सी भी वाइब्रेशन नहीं है। 12,000 RPM पे जाने के बाद भी गाड़ी में कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।